subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. Samvyavahar vikreta athwa bandhak vilekh tha. Is babat vichar kiya jana tha. Mamla sakshya adiniyam 1872 ki dhara 92 updhara 1 ke pravadhanon par bhi vivechana की गई. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत में व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 जहां अंतर्रीति को इस बात की जानकारी हो कि अंतरक उस हक को नहीं रखता है जिसका वह व्यपदेशन करता है, तो स्थिति में कृषि के भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट किया, परंतु रिहायशी भवन के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को अमान्य कर दिया था. द्वितीय अपील वादी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जो कृषि भूमि के संबंध में थे चुनौती देते हुए प्रस्तुत की. इस प्रकरण में यह तर्क दिया गया कि अनुचित प्रभाव संबंधी अभिवाक व्यर्थ व अपूर्ण था, इसलिए वादी अपीलांट के पक्ष में कृषि भूमि का जो अन्य संक्रमण किया गया है वह निरस्ती योग्य नहीं है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिखित कथन का मूल्यांकन किया और इस आधार पर इस तर्क को स्थिर रखने योग्य नहीं माना गया कि अनुचित प्रभाव के सभी आवश्यक तत्वों को अभिवचनित किया गया था. प्रश्नगत विक्रय विलेख के संव्यवहार को अनुचित प्रभाव को प्रमाणित होना माना गया था. प्रकरण में अपील प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि अनुचित प्रभाव की आवश्यक शर्तों को प्रमाणित नहीं किया गया था, अतः यह निष्कर्ष कि प्रदर्शी का दस्तावेज अनुचित प्रभाव के अधीन था दोषपूर्ण है. इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सुभाष चंद्र बनाम गंगा प्रसाद की निर्भरता की गई थी. सुभाष चंद्र वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अनुचित प्रभाव पर विचार करने वाले न्यायालय को दो बातों पर विचार करना चाहिए. पैराग्राफ चेंज. इन दोनों विवादकों के विनिश्चय के उपरांत तीसरा बिंदु उत्पन्न होता है जो कि भार संबंधी है. यदि संव्यवहार अंतःकरण के विरुद्ध होता है तो यह सिद्ध करने का भार कि संविदा अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं थी उस व्यक्ति पर होगा जो किसी अन्य की इच्छा को नियंत्रित करने की स्थिति में हो. दत्तक के मामले में इसी सिद्धांत को जो उपरोक्त नरेश बनाम इचरज बाई वाले न्याय दृष्टांत में व्यक्त किया गया है. वर्तमान प्रकरण में इस तर्क पर विचार किया गया. वादी की साक्षी गण के आधार पर विचारण न्यायालय न्यायालय ने यह पाया था कि चाचा बीमारी से पीड़ित था और चलने में असमर्थ था. यद्यपि अनुमान निकाला गया था कि वादी व चाचा के
मध्य संबंध इस प्रकार के थे कि वादी चाचा की इच्छा को नियंत्रित करने की इच्छा की स्थिति में था। वह वादी ने इस स्थिति को अनुचित प्रभाव के द्वारा प्राप्त भी किया था। विचारण न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि वादी का वर्तांत यह था कि उसने चाचा को प्रतिफल बतौर दिए थे मिथ्या होना पाया गया था और समव्यवहार वस्तुतः बिना प्रतिफल का था। अतः प्रश्नगत दस्तावेज को जो कि विक्रय विलेख के रूप में होना बताया गया था न केवल अनुचित प्रभाव के द्वारा अर्थात अंतरिति द्वारा अंतरक पर अनुचित प्रभाव के कारण अविधिमान्य था अपितु इस आधार पर ही अविधिमान्य होना इस बात का अवधारण किया जाना था कि क्या प्रश्नगत विलेख को प्रदर्श के विक्रय करार के निष्पादन के प्रतिफल पर होना कहा जा सकता है। स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।